हे दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत है और आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ बेस्ट प्रोजेक्ट्स आइडियाज जो 2021 में यूजफुल हो गए और एक कंप्यूटर इंजीनियर उसको ट्राई कर सकता है, अगर उसको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना है या फिर उसको टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए। तो ये 3 आइडियाज होंगे प्रोजेक्ट के लिए जो इजिली, मतलब इजीली भी नहीं बोल सकते, मतलब मैं मॉडरेट टू हार्ड बोल सकता हूँ लेवल से, आप मतलब मॉडरेट टू हार्ड एडवांस लेवल मैं बोल सकता हूँ इसको, कि आप नॉलेज यूज करके आप बिल्ड कर सकते हो और इसको इजीली स्केल करके एक अच्छा प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हो। तो दिस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला जो मैं 3 ऐप्स में बोलना चाहता हूँ जो आप इजीली बना सकते हो और इसको हाईली स्केल भी कर सकते हो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के अराउंड। तो मैं पहला जो एप्लीकेशन बोलना चाहता हूँ वो है मेंटीमीटर, और ये एप्लीकेशन के साथ साथ वेबसाइट भी है। वो एक मेंटीमीटर ऐसा एप्लीकेशन है जो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर और स्टूडेंट, जो गैप था इवन ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरेक्शन इश्यूज आ गए थे कोरोना की वजह से, और स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गैप बिल्ड हो गया था वो गैप उन्होंने कम किया मेंटीमीटर ने। वो लाइव रियल टाइम लाइव Q&As अलाउ कर रहे थे, प्लस क्विजेस रख रहे थे, पोल्स रख रहे थे, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे थे और एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे थे एक अच्छी डेटा के साथ, मतलब एक सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, वैसे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा उसके भी वो प्रोमिसिंग कर रहे थे। तो ये एक अच्छा बेस्ट ऐप था और ये बेस्ट ऐप बन गया था। 80 मिलियन यूजर्स हैं इनके राइट नाउ, और जो स्केल हुए थे कोरोना के वजह से। तो अगर आप भी ऐसा कुछ ऐप बना सकते हो तो बढ़िया होगा, और आप एक दो फीचर और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप एक यूजर को स्कोर कार्ड भी दे सकते हो एट अ टाइम, ऑल्सो एक कुछ बैचेस भी दे सकते हो यूजर्स को कि उनकी रेटिंग्स मिल सकते हैं उनको, या फिर उनको उनका स्कोर कार्ड मिल सके। तो ऐसा कुछ फीचर्स आप ऐड करके एक अच्छा ऐप बना सकते हो। सो जो सेकंड नेक्स्ट ऐप में बोलना चाहता हूँ जो बिल्ड करना चाहिए और या फिर बहुत जरूरी है राइट नाउ इन द सिचुएशन इज रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। यस, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या हो रहा है कि कोरोना के बाद जो पेशेंट जा रहे हैं उनकी हेल्थ की इशू भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं और उनको एक दो मतलब हफ्ते के बाद फिर से उनको बीमारी कुछ आ जाती है, या फिर उनकी कुछ लंग वीकनेसेस या फिर कुछ ना कुछ इशू आ ही जाते हैं। तो वो रियल टाइम ट्रैकिंग सपोर्ट करना चाहिए आपको, यूजर्स को सपोर्ट, यूजर को एक और रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ यूजर हेल्थ आपके डॉक्टर के पास होनी चाहिए कि जो पेशेंट मैंने ठीक किया है वो 100% या 100% बोल ही नहीं सकते, 80% भी रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देखने के लिए एक रियल टाइम ट्रैकिंग एप्लीकेशन जरूरी है जो रिमोटली पेशेंट को मॉनिटर कर सके। और एट द सेम टाइम अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसकी मेडिसिन जो प्री रिक्विजिट है मेडिसिन, तो वो आपके पास पहले से अवेलेबल हो कि नहीं डॉक्टर के पास, एट द सेम टाइम डॉक्टर के पास भी टाइम हो उस पेशेंट को देखने के लिए, ताकि कम से कम टाइम लगे उस पेशेंट को भी रिकवर होने के लिए और उसको ट्रीटमेंट मिलने के लिए। तो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इज वेरी मच बेनिफिशियल राइट नाउ इवन इन दिस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन एंड इवन इन 2021। और थर्ड ऐप में जो वेरी मच बोल सकता हूँ कि नेसेसरी है वो है रियल व्हाट कैन से रेडार फॉर कोरोना वायरस सिस्टम, जो कि इजीली बिल्ड कर सकते हो आप। अगर आपको 2 वीक्स में मिल जाए तो आप इजीली बिल्ड कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप डेटा लेके कोरोना पेशेंट्स के डेटा लेके आप रिमोटली जियोग्राफिकली उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल दोज हु वांट टू विजिट सर्टन न्यू प्लेसेस एंड दे वांट टू नो, कि उनको पता चल सके कि यहाँ पर जाना अभी सही है कि नहीं, या फिर अभी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो वो रेडार देख के वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते वो वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और एट द टाइम आपको भी एक सीखने मिल जाएगा कि कैसे आप डेटा को लेके जेसन के फॉर्मेट में लेके उसको आप GUI और यूजर यूजर को एक ग्राफिकली आप दिखा सकते हो। तो आपको भी एक अच्छा लर्निंग हो जाएगा और एट द सेम टाइम एक रियल टाइम एप्लीकेशन भी बेनिफिशियल हो जाएगा। और की पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि जो जो ये प्रोजेक्ट्स है वो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि व्हेनेवर वी बिल्ड प्रोजेक्ट्स इट्स नॉट हाउ वी बिल्ड और हाउ डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी वी यूज,
कैसा टेक्नोलॉजी में यूज करना चाहता हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता हूँ, बट उसके रियल टाइम एक्टिव यूजर्स कितने हैं वो बहुत बेनिफिशियल होता है, तो वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हो जिसके टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड लेवल की यूज़ की गई है, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आप इतना उसको स्केल भी नहीं कर पाओगे और इतना उसको आप कहीं इंटरव्यू के टाइम या फिर कहीं किसको आप बता भी नहीं सकते। बट अगर उसके रियल टाइम यूजर्स जो है बहुत ज़्यादा है तो उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही तक था आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं से नजर कंटेंट बेस्ड वीडियो लेके आता रहूंगा। माय नेम इज दिस, आई एम साइनिंग आउट, पीस।